तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इस टाइम जॉब स्विच करना बेहतर है, मतलब अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो क्या दूसरी जॉब पे जाना बेहतर है, या सेकंड पॉइंट मैं इस पर बात करूँ क्या आप भी इस टाइम टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट में वैकेंसीज हैं या नहीं, या मार्केट में जॉब है कि नहीं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त मैं बात करूँगा कि जॉब्स के बारे में, टेक्निकल सपोर्ट डेस्कटॉप सपोर्ट में मार्केट में जॉब्स हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं दोस्त, जॉब आज भी बहुत हैं। टेक्निकल सपोर्ट की स्पेशली मैं बात करूं ना, तो जॉब आज भी बहुत है मार्केट में, बट क्या अब वो देख क्या रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर, काम अगर आपको 70% भी आता है तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन है तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया। उसका रीज़न ये है, बिहाइंड द रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जितना भी टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट का जो काम हो रहा है ना, वो टोटल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में या तो ओवर कॉल डिस्कस करोगे या एप्लीकेशंस के थ्रू डिस्कस करोगे, जैसे कि टीम्स हो गया, जूम हो गया, या स्काइप हो गया, या जितने भी अदर कम्युनिकेटर एप्लीकेशन हैं उसके थ्रू आप डिस्कस करोगे। तो उनके जो क्लाइंट होते हैं ना, क्लाइंट हो सकता है वो अब्रॉड क्लाइंट हो, यूके, यूएसए, कनाडा, तो हो सकता है उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़े, या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़े। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देख रहे हैं, मतलब बंदे के अंदर कम्युनिकेशन है कि नहीं, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, काम तो 15 दिन एक महीने में बंदे को आ ही जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो 1-2 महीने में नहीं आती। ये फैक्ट है मेरे दोस्त, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, आपको कम्युनिकेशन 5-6 महीने के अंदर अच्छे से नहीं आएगा, मतलब एक थोड़ा सा आपका जो अभी है, और जब 5-6 महीने काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको 6 महीने में पकड़ में आएगी, लेकिन जो आपका काम है ना वो आप 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्स 1-2 महीने में सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। तो वो मेरे दोस्त यही सोच रहे हैं कि बंदा चाहिए, काम भले ही 70% आता हो लेकिन उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूं, अभी लॉकडाउन के टाइम या कोविड के टाइम जॉब स्विच करना ठीक है कि नहीं, तो दोस्त मैं बता दूं कि अगर अभी आप सोच रहे हो कि जॉब स्विच करना है या कहीं जाना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्विच मत करो या जाओ मत, लेकिन एक मेरी एडवाइस है, सजेशन है कि आप ट्राई करो कि अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा ब्रांड हो, आई मीन मल्टीनेशनल कंपनी टाइप की हो, यानी कि 20 एम्प्लॉय हैं, आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो 10 एम्प्लॉय हैं वहाँ पे ही ज्वाइन कर लो। अगर आप ये आपका करियर स्टेबल है, चल रहा है, आपकी अच्छी जॉब है और आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी जो आपकी जॉब है वो सिक्योर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मत जाओ अभी, आप किसी ब्रांड में जाओ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, क्योंकि आप MNC में जाते हो, वहाँ पे आपकी जॉब डेफिनेटली इसी बात सिक्योर होती है। तो अगर आप स्विच करना चाहते हो तो किसी MNC या ब्रांड कंपनी में स्विच करो, ना कि 10-50 एम्प्लॉय आप वहाँ पे आपने स्विच कर लिया, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में इन केस अगर सिचुएशन और भी ख़राब हो गई तो ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं ना, ये पहले लॉस में जाते हैं, और MNC कंपनी का अपना रूल होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि अगर उनका प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो जाए तब भी आपको 2-3 महीने सैलरी बिठा के देते हैं, तो ये उनका एक रूल होता है। और रही बात स्विच करने की, MNC मिले 100% स्विच करो, बेधड़क स्विच करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सैलरी हाइक मिली है, बराबर सैलरी में तो वैसे भी नहीं स्विच करोगे, आई नो, तो अगर आपको अच्छी सैलरी मिले 100% स्विच करो, बस इतना। बस यार दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर ऐसी वीडियोज आती रहती है। मेरा नाम शिवम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।